आज हम इंडिया आज पे ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जूनियर मेमजी की जबानी सीनियर विलन रहे, उनका नाम है केएंग सिंह। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। नमस्ते अंकल, पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, अब सीधी तरह बता दो माल कहाँ है। चलो माल के बच्चे, आज वो घड़ी आई है, ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे। उनके साथ जूनियर महमूद ने 5 पिक्चर में काम किया। सबसे पिक्चर आपको याद आती होगी, हाथी मेरे साथी। उन एक्टर का नाम है केएंग सिंह, है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भाई? नहीं नहीं बिल्कुल सही। तो जूनियर भाई की जवानी आज बात करेंगे केएंग सिंह जी के ऊपर। बताइए भाई, आपने 5 पिक्चर में केएंग सिंह जी के साथ काम किया है, और सबसे अहम बात बताना चाहूँगा, मुंबई में वडाला फायर गार्डन के अंदर वो रहते, तो उनके इलाके में आज बैठ के आप शूटिंग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और कैसा अनुभव रहा काम करने का उनके साथ, आप बताएंगे? इंडियाज़ के देखने सुनने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों। आज ये मुझे अपने फिर वहीं ले आए हैं फाइव गार्डन्स, और यहाँ पर बहुत हिंदुस्तान के मायानास कलाकार रह चुके हैं जी। और जिसमें पापा जी पृथ्वीराज कपूर साहब, मनमोहन किशन जी, और आज जिस अजीम शख्सियत के बारे में हम बोलने जा रहे हैं या मैं बोलने जा रहा हूँ, वो है मरहूम केएंग सिंह साहब। सलाम भाई, मैं सिंह साहब से मिला तो नहीं था, लेकिन देखा था उनको मैंने जी। इत्तेफाक की बात है, ये वही लोकेशन है, ये वही जगह है जहाँ वो रहते थे। मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को आते थे, इनको देख के चिढ़ाते थे, डरते थे, छुप जाते थे। अरे वाह। क्योंकि विलन थे ना ये, और इनकी आंखों में माशाल्लाह वो खुमार, वो नशा। और मैंने इनको पहली बार इनके बंगले में यहाँ फाइव गार्डन्स में देखा था। फिर मालिक की मेहरबानी हो गई मुझ पर। सब जानते हैं कि मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ बात शुरू करने से पहले, कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो लूज़र हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में तरक्की नहीं की है, दुख भी होता है। मुझे बड़े बाप के बच्चे हैं, और बाप कमाई वाले और आप कमाई वाले में फ़र्क होता है। सलाम भाई, तो मुझे बोलते हैं जूनियर भाई हमेशा सदी की तारीफ़ करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं। आज एक बुरे आदमी यानी विलन का मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इसलिए मैं बात इस पैमाने पर शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा बुराई उसकी की जाती जो बुरे हों, और जो बुरे नहीं हों उनकी बुराई करना ये आपके करेक्टर को दर्शाता है कि आप गलत आदमी हो। तो खैर लूज़र हैं ज़िंदगी में, वो बोलते यार आप बुरा भी बोला करो। मैं कहने मैं आप अपनी आप बीती बताता हूँ, ना कि जग बीती बताता हूँ। अब मैं आता हूँ सलाम भाई आपकी बात पर, उस अजीम शख्सियत की बात पर जिसका नाम है केएंग सिंह साहब, केएंग सिंह, इस निरंजन सिंह साहब आपका पूरा नाम है। और मेरे बहुत सीनियर रहे ये, और मेरी औकात नहीं कि मैं इनके बारे में कहूँ, पर चूँकि उनके साथ काम किया तो शर्फ हासिल हुआ है मुझे, तो उसका मैं फ़ायदा उठाऊँगा। हमने जुगल किशोर साहब की फ़िल्म की थी शिमला रोड, नतीजा, मुनीम जी, इक्का दुक्का, और फिर हमारी फिल्म बनी दो बच्चे दस हाथ। उसमें 5 विलन थे जिनके 10 हाथ थे और 2 बच्चे हम थे, तो उनमें 2 हाथ इनके भी थे केएंग सिंह साहब के। हाथी मेरे साथी में मैं समझता हूँ मेरी आखिरी फिल्म होगी उनके साथ। और उसके बाद इन्होंने काम भी कम किया, क्योंकि ये थोड़े से आँखों से वो भी हो गए थे, आपको नज़र कम आता था, जो कि दुख की बात है। तो मैंने बहुत अच्छा टाइम निकाला इन लोगों के साथ। और रही केएंग सिंह साहब की परफॉर्मेंस अदाकारी की बात, तो सलाम भाई, जैसे कहते हैं कि सूरज एक है, चांद एक हैं, वैसे सिंह साहब एक हैं। इनका कोई मुकाबला या इनकी कोई भी छवि वाला करेक्टर आज तक तो नहीं आया, और शायद आइंदा भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे मंजे पे कलाकार, ऐसे दिग्गज कलाकार हमारी इंडस्ट्री में कमाए हैं। मुझे उनकी फिल्म याद आती है गज़ल। अब देखिए मैं एक बहुत रोमांटिक फिल्म का नाम ले रहा हूँ, गज़ल, मीना आपा, दत्त साहब, उसमें इन्होंने अपने लीक से हट के काम किया था, विलन थे पर इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने महजब जबान को वो करने वाले। एक फिल्म आई थी आवारा, आर के फिल्म्स की आवारा, उसमें आप इनकी परफॉर्मेंस देखिए, आपको समझ में ये आएगा सलाम भाई कि कलाकार होता क्या है। और इन लोगों से तो हमने सीखा है, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सलाम भाई कि हमारी इंडस्ट्री ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, और जो नहीं करते तो दुख होता है। मेरे में इतने बलबूते की बात नहीं, मेरे बूते में बात होती तो यकीन जानिए मैं
हर चौराहे पे एक कलाकार को खड़ा कर देता, पुराने कलाकारों को जिन्होंने डंका बजाया है। जूनियर में मैं बात करूँ तो शुरुआत के दौर पे इंटरव्यू के पहले ही आपने कहा था कि मैं आज वो बात करूँगा अमीर बच्चों के बिगड़ी औलाद, वो बात अधूरी रहेगी, वो पूरी बात पूरी करें। वो यही कह रहे थे ना कि भाई तुम किसी की बुराई नहीं करते। अरे मैं कहा बुराई उसकी की जाती है जो बुरा आदमी होता है, पर ये मेरी आप बीती है जो मैं लोगों से शेयर करता हूँ। सलाम भाई मुझे मौका देते हैं और मैं इंडिया पे आके अपनी आप बीती सुनाता हूँ, ना कि जग बीती। अब देखिए एक नौकर होता तो एक मालिक होता है, एक वॉचमैन होता है, एक साहूकार होता है। तो ये जो डिग्निटी और ये जो कैटेगरीज डिवाइड की गई है ऊपर वाले की तरफ से की गई है, समझे नहीं आप मेरी बात। तो जो लूज़र हैं, जो बड़े बाप के बच्चे नाकारा हैं, उन्होंने ये सवाल किया था मुझे, तो उनको मुझे जवाब देने का वो हुआ। तो प्लीज़ आप ऐसी बातें ना सोचें कि विलन आदमी विलन ही होता है। अब प्रेम चोपड़ा साहब हैं, प्राण अंकल हैं, इनको देख के आपको लगेगा कि यार इसे कहते हैं इंसान। तो सिंह साहब भी उनमें से एक थे, तो ये उनका जॉब है, ये उनका रोल जो उन्होंने अदा किया, उनका करेक्टर जो निभाया वो विलन का निभाया है। तो उनको आप एज एन एक्टर बुरा बोलोगे उस करेक्टर में तो ठीक है, पर जो बंदा वाकई में पर्सनली अच्छा है उसे आप बुरा क्यों बोलोगे सलाम भाई। तो जो लूजर्स हैं वो हमेशा सवाल करते हैं मुझसे, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को संवारे, ना कि दूसरों में कोई कमियाँ ढूंढे। जूनियर भाई वैसे तो आपने शूटिंग फिल्म लाइन में आने से पहले केन सिंह जी को देखा था जी, लेकिन शूटिंग के दौरान भी आपने देखा है, उनसे बात किया है, उनको छुआ है, हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएंगे किस कैसे इंसान थे वो। आप यकीन नहीं करेंगे, जिनको देख के लोग कांपते थे वो बहुत ही कम बात करने वालों में से थे जी, बहुत कम बात कर, कैसे हो, ठीक हो, गुड 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 गुड, नाइस टू सी यू, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता उन्होंने बात की होगी मुझसे जी। समझो मैं तो कुछ भी नहीं था, चवन्नी भी नहीं था मैं, तो फिर भी इसलिए बात कर ली तो मैं अपने आप को रुपया समझने लगा था कि सिंह साहब ने मुझसे इतनी बात की, क्योंकि बात ही बहुत कम करते थे। और जैसे कैमरा ऑन होता था तो आपको पता लगता था कि फ्रेम में कोई खड़ा है, कोई मौजूद है, वो है केन सिंह साहब। तो इन लोगों का क्या सिक्का चला है साहब, इन्होंने बड़ी अपनी बहुत कुछ दिया इंडस्ट्री को। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मैंने सिंह अंकल को देखा या उनके साथ काम किया। एक फिल्म मैं आपको याद दिलाऊँ सलाम भाई, घर घर की कहानी। आप बोलेंगे मैंने अचानक इस फिल्म का नाम क्यों ले लिया, इस फिल्म में मेरा बहुत प्यारा रोल था, मुझे नॉमिनेशन में नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। लेकिन मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस फिल्म में जो मेरी अम्मी बनी थी, जो मेरी माँ बनी थी, वो मिसेस केन सिंह थी। कैन यू बिलीव दैट, कैन यू बिलीव दैट। अरे क्या कर रहा है बेटा? पढ़ रहा हूँ माँ, पढ़ रहा हूँ। मेरा बेटा, अब तुम बोल के बता माँ। जैक एंड जिल। नहीं नहीं नहीं, मुझसे तेरी अंग्रेजी पटरी नहीं बोली जाती। प्रवीण पॉल आंटी बहुत मंजीवी कलाकार, उनकी मिसेस थी आप, गंगा जमुना में उनका रोल देखिए आप यूसुफ साहब की फिल्म में। तो ये सब मंझे हुए लोग, बड़े लोग, और मैं समझता हूँ कि हर 5-7 साल में एक करेक्टर तो इन जैसा आना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कयामत तक अब नहीं होगा शायद, क्योंकि फ़न को लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है और ये फ़नकार चले गए हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उनको याद करते हैं सलाम भाई। जूनियर भाई ऐसे कई विलन को देखे हमने, कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरो का भी रोल किए, कुछ फिल्मों में कॉमेडी का रोल भी किए, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी किए, लेकिन केन सिंह जी को कोई किसी फिल्म में मैंने हीरो में तो देखा नहीं, लेकिन कुछ फिल्मों में देखा कि उन्होंने अच्छा रोल भी निभाया विलन के अलावा। जी 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 भाई, क्या होता है सलाम भाई, अगर आप कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं और डायरेक्टर आपको जान चुका है, तो वो आपको बराबर आपके अंदर का फनकार बाहर निकालता है। और ये तो सब मैं पैदाइशी फनकार लोग थे, ये कुछ भी कर सकते थे वहाँ, चूँकि माशाल्लाह चेहरे में इतनी इनकी वो नहीं थी, ये कह रहे नमी एक हीरो की जैसे होती है, एक नमकीन बना, इसलिए इनको हीरो नहीं लिया। वरना हाइट बॉडी फिगर के हिसाब से आप हीरो के लायक थे, पर चूंकि चेहरे में वो नमकीन बना नहीं था, इसलिए शायद ये हीरो ना बन पाए होंगे उस दौर में। पर इन्होंने जो जो रोल किए हैं, सोबर किए हैं, जो भी किए हैं, मोस्टली विलन किए हैं, पर सब लैंडमार्क हैं, सब लैंडमार्क मील का पत्थर हैं। अगर आपसे बात करें तो केन सिंह की सर, आप 5 से 6 पिक्चर में आपने काम किया है, लेकिन जिस फिल्म में आप नहीं है, ऐसी कौन सी पिक्चर आपको उनकी याद है जो आपको पसंद आती है? दो बच्चे दसात जी, दो बच्चे दसात में, क्योंकि मेरा उनका एनकाउंटर बहुत हुआ है, तो मुलाकातें बहुत होती थी, तो मैं उनको और करीब से जानने लगा, तो पता ही लगा बहुत मोम है, मासूम है, बहुत मोम है वो।
तो उस फिल्म को मैं भूल नहीं सकता। दो बच्चे साथ में बहुत नज़दीक रहा, हाथी मेरे साथ ही में हम चेन्नई जाते थे, तो ये अपने रूम में होटल के, और कभी कभार काका जी की वजह से कोई शॉट में सामने आ गए तो आ गए, अदरवाइज़ इक्का दुक्का बार हम साथ में आए हैं। तो ऐसे रोल मैंने किए, फिल्म खोज ले लीजिए, जुगल किशोर साहब की फिल्म खोज में ये भी विलन थे, तो ये भी कभी कभार सामने आए, वो भी क्लाइमेक्स में। तो ज़्यादा मेरा इनकाउंटर इनका जो जो हुआ है पर्दे के सामने या सेट पे या स्टूडियोज़ में, वो दो बच्चे दस साथ में हुआ है। जूनियर भाई, चलते चलते का आखिरी सवाल, आप वैसे तो मैं जानता हूँ हर एक्टर के साथ काम किए, तो मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा, ऐसे कितने एक्टर जिनके साथ आपने काम किया, आपके नाम बताए, ऐसे कौन से एक्टर जो बच गए जिसके साथ आप काम नहीं कर सके, आपको उस बात का अफसोस है, मलाल है? देखिए सलाम भाई, मुकम्मल तो कोई भी इंसान है नहीं, और मालिक आपको अपनी औकात दिखाने के लिए कोई ना कोई चीज़ें खींच लेते हैं, जो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। उस दौर को अगर लेके चले हम, उस दौर में राज कपूर अंकल आर के फिल्म्स, राज कपूर अंकल को छोड़ के मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। राज कपूर जी के डैडी के साथ तो आपने काम किया? हाँ, पापा जी के साथ काम किया, पृथ्वीराज जी के साथ, शमी अंकल, शशि अंकल, चिंटू, डब्बू अंकल, सबके साथ मैंने काम किया है। पर ये महज इत्तेफाक है, कोई रोल मेरे उनके साथ मेरा ऐसा आया नहीं, या बना नहीं, या लिखा नहीं गया उस दौर में, या राज अंकल ने कभी मेरी तरफ देखा नहीं होगा एज एन एक्टर, या उनकी निगाह नहीं पड़ी होगी, यूँ कहूँगा निगाह नहीं पड़ी होगी उनकी। पर बहुत बड़े मेकर, बहुत बड़े एक्टर, और हमारी इंडस्ट्री का एक और माइलस्टोन है। जूनियर मेमन जी से आज हमने बात की, जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, आपने कितने एक्टरों के साथ काम किया, ऐसा कौन सा एक्टर्स के साथ आपने काम नहीं किया, लेकिन आज अपनी ज़बानी उन्होंने बताया कि राज कपूर जी के साथ इन्होंने काम नहीं किया, इस बात का उन्होंने मलाल है। लेकिन हम इंडिया आज के देखने वाले लोग यही कहेंगे कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो, किसी एक्टर के बारे में जानना चाहें, जिन्हें मेहमूद जी की ज़ुबानी बात सुनना चाहे, तो आप बेझिझक आप हमें SMS इंडिया आज के माध्यम से बोल सकते हैं। और आप इंडिया आज देखते हैं और आपको पसंद आती स्टोरी तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूलिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।